हे फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नीपा वायरस। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम हर एक जगह देख और सुन रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हो, चाहे वो फेसबुक हो। पर शायद इतनी सारी इन्फॉर्मेशन्स के बीच में हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। सावधान तो हमें रहना है, पर एक्चुअली वो क्या है और सही इन्फॉर्मेशन क्या है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसका आउटब्रेक देखा गया मलेशियन विलेज में, जिसका नाम था सुंगई नीपा। उसी के नाम से ये वायरस का नाम भी नीपा वायरस रखा गया। कहा जाता है 1998 में पिग फार्मर्स के अमंग ये इन्फेक्शन पाया गया। इस सडन आउटब्रेक और मल्टीपल डेथ्स को देखकर जब स्टडी किया गया तो पता चला कि ये एक वायरस है जो कि आया है ह्यूमंस में पिग्स के थ्रू, और पिग्स में आया है ये बैट के खाए हुए फ्रूट्स के थ्रू। बेसिकली ये एक वायरस है जो कि बैट्स के बॉडी में पाया जाता है पर उन्हें किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता। इस डेथली वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड बेसिकली 5 से 15 दिन के बीच के अराउंड का है। इसका मतलब 5 दिन के बाद ही सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। अब ज़रूरी नहीं कि इसके सारे सिम्टम्स जानलेवा हों। किसी किसी में ये इनिशियली फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है, जैसे कि खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, और कहीं कहीं ये सिवियर सिम्टम्स दिखाता है, जैसे कि रोशनी से डर लगने लगना, बहुत तेज़ फीवर आना, चक्कर आना, सीजर्स यानी कि दौरे पड़ना, एक्सेट्रा। कभी कभी विद इन 48 आवर्स आप कोमा में चले जाते हैं, और इसीलिए इस वायरस को डेथली वायरस आजकल कहा जा रहा है। अब हम जानना चाहेंगे कि क्योर क्या है इसके लिए। अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो क्योर एंड प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर अवेलेबल टिल डेट फॉर दिस वायरस। इससे हुए सेकेंडरी सिम्टम्स को क्योर किया जाता है और कोशिश की जाती है कि ये दूसरों तक ना पहुँचे। और क्योंकि हमारे पास अब कोई डेफिनेट इलाज नहीं है या कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसलिए इस सपोर्टिव ट्रीटमेंट के थ्रू ये कोशिश की जाती है कि कोई और बैक्टीरिया या वायरस हमारी कमज़ोर इन्फेक्टेड बॉडी को और इन्फेक्ट करने की कोशिश ना करे। इसीलिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट में बाकी जो आपको बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि सर्दी, ज़ुकाम, फीवर है, उन्हें ट्रीट किया जाता है, और ड्यूरिंग दैट टाइम आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ब खुद उस वायरस को फाइट करता है और मारता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रिवेंशंस। आपको इससे बचना कैसे है? आज की डेट में आप कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं तो आपको उसे खाने से पहले अच्छे से वॉश करना है, पील करना है, फिर ही खाना है। फिर वो चाहे बनाना हो, एप्पल हो, मैंगो हो, या कोई भी और फ्रूट। ज़रूरी नहीं कि ये बनाना में ही फैले, क्योंकि बनाना अगर दूसरे एप्पल के क्रेट के साथ रख के आए हैं तो हो सकता है ये वायरस उसमें भी ट्रांसफ़र हो गया हो। तो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक अबाउट एनी सिंगल फ्रूट और सिंगल वेजिटेबल। इसी के साथ साथ हमें कोशिश करनी है कि इस दौरान हम बाहर का खाना और रॉ फूड अवॉइड करें। प्लस जो लोग मांसाहारी हैं वो भी कोशिश करें कि कुछ दिन वो नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि ये सिर्फ बैट्स नहीं है जो इन्फेक्टेड हैं, बैट्स के थ्रू काफ़ी सारे एनिमल्स और हैं जो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और वो लोग जिनके यहाँ पेट एनिमल्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये पेट एनिमल्स इजीली इन्वायरमेंटल जर्म्स के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और अल्टीमेटली वो उसे हमारे घर तक कैरी कर सकते हैं। दूसरी कुछ मेरे पास में एडिशनल एडवाइजेज़ हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, पर हम शायद इन समर वेकेशंस में या अभी कमिंग हॉलीडेज़ में ध्यान दे सकते हैं। अगर हम कहीं हॉलीडेज़ का प्लान बना रहे हैं या ट्रैकिंग का प्लान बना रहे हैं तो हम ध्यान दें कि वहाँ आसपास कहीं केव्स या ड्राइड अप वेल, सूखे कुएँ ना हों। दूसरी चीज़, जो पाम सैप होता है उसे हमें कुछ समय तक अवॉइड करना है, हमें नहीं पीना है। अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके पास कुछ एडिशनल एडवाइजेज हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।